होती है अभी? नहीं नहीं, कैंसिल कभी नहीं किया गया था, दोनों पार्टीज को कल भी मतलब दो। कुछ ग्रामीणों के बीच में पर्व त्योहार मनाने को लेकर, जिस स्थल पर पर्व त्योहार मनाना है उसको कुछ विवाद हो गया था, उसी संदर्भ में आज यहाँ अंचल कार्यालय में एक हम लोग मध्यस्थता का यहाँ पे बैठक रखे हैं। उस बैठक में नांदूप गांव के प्रतिनिधि लोग आए और हम लोगों ने पुड़ीहासा ग्राम से भी जो पर्व त्यौहार मनाने के उनके जनप्रतिनिधि उनको भी बुलाया था, लेकिन वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। और हम लोग इस बैठक के मद्देनज़र कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जिस जगह पर पूर्व से पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है, जो टावर मैदान रामडी है, वहीं पे शांतिपूर्वक तरीका से आगे भी पर्व त्यौहार मनाया जाए। और इसके लिए हम लोग पहले प्रयास यह रह रहा है कि आपस में इनका दोनों ग्राम के लोगों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाए। UCIL के भी प्रतिनिधि यहाँ पर हम लोग के साथ आज बैठक में उपस्थित थे। हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया है कि आपका जो भी सहयोग होता है अपेक्षित सहयोग आप लोग करें। और हम लोग के साथ में यहाँ पर जो भी प्रशासनिक तैयारियाँ हैं, थाना प्रभारी हैं, DSP हैं, SDO भी हैं, मैं स्वयं यहाँ ADM लॉ एंड ऑर्डर हूँ, तो हम लोग सारी अपनी तैयारियाँ पूरी करेंगे। लेकिन दोनों लोगों से अपील होगा कि वह एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से जो पारंपरिक रूप से पहले मनाते आ रहे थे जिस स्थल पे, वहाँ पर आज भी मनाने को सब अपना सहमति दें। क्या आरोप लगाया गया था सर पुड़ीहासा गांव के प्रधान और वहाँ के लोगों के? पुड़ीहासा गांव के प्रधान और लोग यहाँ पर तो आज बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए, बल्कि नांदूप गांव के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया। बस उनके द्वारा यही कहा गया कि अभी पुड़ीहासा गांव के लोग हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनको आशंका है कि हमको यदि सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ वहाँ पर लोग विरोध वगैरह कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर बैठक में उपस्थित हैं। भी सर यहाँ पे जो है विवाद हो चुका है, उनमें यदि कोई विवाद हुआ है तो हम लोग उसको चिन्हित करेंगे कौन कौन लोग यदि शांतिपूर्वक तरीके से पर्व त्यौहार को मनाने में अगर खलन डालते हैं तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आरोप आया था कि कैंसिल कर दिया गया, आपका बयान के द्वारा छापा गया था, क्या स्थिति है अभी? नहीं नहीं, कैंसिल कभी नहीं किया गया था, दोनों पार्टीज को कल भी मतलब दोनों ही पक्ष आए थे और दोनों ने अपने अपने विचार रखे थे और विचार रखने के बाद अभी समन्वय नहीं बन पा रहा है। वो महासभा का जो प्रोग्राम होना है उसमें और जो संथल समाज है उस पर अभी भी वो हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जिस तरह से पूर्व में बनता आ रहा है उस तरह से मना सके। रद्द करने की कोई भी बात पहले भी नहीं थी, अभी दोनों समाज को एक जगह एक गांव में बैठाने का विचार हो रही है दोनों को? हाँ, आज भी ADM लॉ एंड ऑर्डर सर ने भी यहाँ पे एक पहल की थी जिसमें हम लोगों ने दोनों ही पक्षों को बुलाया था। कल तो दोनों पक्ष आए थे लेकिन आज एक पक्ष जो है वो अनुपस्थित थे। अभी हम लोग स्थल देखने जा रहे हैं कि क्या हम लोग और ऑप्शंस ले सकते हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जी दी का सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम को बहिष्कार करने और कार्यक्रम को करने की मांग की है। देखिए, उम्मीद है कि हम लोग दोनों ही पक्षों को मना सकें और बढ़िया तरीके से प्रोग्राम करा सकें। मैडम,